दोस्तों, मैं भाग्यश्री फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया व्लॉग लेके। और आज का व्लॉग होने जा रहा है मेघनाथ पूजा के ऊपर। हमारे आदिवासी समाज में मेघनाथ पूजा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और आज पंचमी का दिन है। पंचमी के दिन को ही मेघनाथ जी की पूजा की जाती है, तो मैं भी जा रही हूँ मेघनाथ जी की पूजा करने के लिए। और हमारे आदिवासी समाज में मेघनाथ जी को मुर्गा दिया जाता है, मतलब मुर्गे की बलि दी जाती है, तो हम भी ले जा रहे हैं। देना अच्छा नहीं लगता लेकिन क्या करें, देना पड़ता है। तो हम चल रहे गाइस मेघनाथ जी की पूजा करें। गाइस मेरी आरती तैयार है और ये पकड़ेंगी अब मेरी प्यारी अंजीरा। हम जा रहे हैं मेघनाथ जी की पूजा करने के लिए। मेरी दीदी भी जा रही है, मेरा एक छोटा सा भैयू भी है, भांजा। हम सब जा रहे हैं और हम जा रहे हैं गाड़ी से क्योंकि बहुत दूर है मेघनाथ जी। ये है मेरा गाँव, तो चलते हैं दोस्तों। गाइज मैं पहुंच गई हूँ मेघनाथ जी के पास में। यहाँ काफी अंधेरा है तो आप लोगों को इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगी। और ये रहे हमारे मेघनाथ जी, ये पूरे गांव के लोग जो यहाँ पूजा करने आए हैं। और यहाँ से पूजा करते करते इधर जाते हैं, वहाँ अंधेरा। अंजीरा यहाँ मुर्गा लेके बैठी है। अंजीरा बताओ अभी आप क्या करने वाली हो? हाँ, क्यों दिया जाता है ये भी बताओ जरा सा लोगों को। एक नियम है ये। हाँ, हमारे आदिवासी समाज का। हाँ, तो अंजीरा काटेंगी भाई आज मुर्गा। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, देखिए इतनी सारी पब्लिक मेघनाथ जी को पूजा करने आई है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बस यही दिखाने यहाँ तक लेके आई हूँ कि हमारे आदिवासी समाज में किस तरह से पूजा की जाती है। मैं बैठी हूँ अंधेरे में, मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही होंगी लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ। और बचपन से हम हमारी संस्कृति की जो भी पूजा पाठ है उसे निभाते आए हैं और अभी भी निभा रहे हैं। बलि देना हमें भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन क्या करें, हमारे समाज में शुरू से यही नियम बन के आया है तो हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। किसी को भी देना अच्छा नहीं लगता लेकिन बिना दारू और बिना मुर्गे के हमारे समाज की पूजा ही नहीं होती है। तो गाइस क्या कर सकते हैं, देना पड़ेगा। तो यह है खंडरई हमारा, मैं आपको चारों ओर से दिखाऊंगी। ये गाइस इधर एक बच्चा नारियल फोड़ रहा है और इधर देखिए आप पूरे गांव के लोग जमा हुए हैं यहाँ मेघनाथ जी की पूजा करने के लिए। ये देखिए मुर्गा, सब लोग मुर्गा चढ़ा रहे हैं। ये मुर्गा जब तक झाड़ा नहीं लेंगे तब तक हम इसे काट नहीं सकते। तो अभी इस पे दारू पानी चढ़ा दिया गया है लेकिन ये झाड़ा नहीं ले रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो झाड़ा लेगा और कब हम उसे चढ़ाएंगे। जैसे ये देखिए इधर झाड़ा ले लिया है तो ये लोग खून चढ़ाते हुए जा रहे हैं। और कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका मुर्गा झाड़ा ले ले, पर वो ले नहीं रहा है। तो अभी हम देखते हैं, अभी हमारा भी मुर्गा है, हमें उसे भी देखना होगा कि वो झाड़ा लेता है या नहीं। तो गाइस ये हो रही है मेघनाथ जी की पूजा। पूरे गांव के लोग आज पंचमी के दिन मेघनाथ जी की पूजा करते हैं। भैया को भी देना, पंडित वही है ना। लेन खाजा बोलना तो तरह तिरपन चाची तिरपन लगा वाटा वाटा बाबा वाटा ओंडे वाटा ना ते बस जय नींद आना तरुता लागतो ना टीका ना भगवान के पास में। भगवान ले लेना प्लीज, झाड़ा ले ले एक बार और पानी डालो रे, तिरपन डालो बरा। जय भगवान, ये चेना झाड़ा यू वांगदा नाराज गे यू। हमारे मुर्गे ने झाड़ा ले लिया। तो गाइस हमारी पूजा हो गई है मेघनाथ जी के पास। दोस्तों मेरी स्कूटी यहाँ है तो मैं अपनी स्कूटी लेने आई हूँ। पूजा पाठ हो चुकी है और अभी भी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, ये रात तक चलती है। और मैं जा रही हूँ घर, तो मिलते हैं अब घर पे।